केजरीवाल सरकार के लिए बुरी खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल। राजधानी दिल्ली में सियासी पारा विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही तेजी से चढ़ रहा है। लगभग पिछले 5 महीनों से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी से धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी को ही उसके ही 5 पार्षदों ने झटका देते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया है और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले ली है। आपकी झाड़ू छोड़कर बीजेपी का कमल थामने वाले 5 ही पार्षद आज दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और लोकसभा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी की मौजूदगी में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों का जिक्र करें तो ये वार्ड नंबर 178, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 180 और वार्ड नंबर 177 के पार्षद हैं, जिनके नाम सुगंधा विधूड़ी, रामचंद्र, पवन सहरावत, मंजू निर्मल, ममता पवन शामिल हैं। बता दें कि बवाना के 2 बदरपुर बॉर्डर, तुगलकाबाद के 1-1 पार्षद ने पाला बदलते हुए बीजेपी की सदस्यता ली है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के 5 पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घटना को बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है और इसे आपके लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसे उपलब्धि के तौर पर देख रही है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और काम न करने की नीयत, उससे आजीज आकर इन 5 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और इन सबका मत एक ही है कि जिस तरह से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी विकास कार्य को गति दे रहे हैं, लोगों को सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हम भी दिल्ली में अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और ऐसे सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपके प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन पार्षदों पर बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया था और उन्हें धमकाकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया गया। आपने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश करार दिया है और कहा है कि बीजेपी इस तरह के हथकंडों से दिल्ली के मतदाताओं को भ्रमित नहीं कर पाएगी। वहीं जानकारों की माने तो इन पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को स्थानीय स्तर पर फायदा हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां ये पार्षद प्रभावशाली हैं। वहीं आपके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, जहां उसे न केवल चुनाव की तैयारियों में जुटना है बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष को भी दूर करना हो और साथ ही पार्टी को एकजुट रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।